माई डियर फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। दिस इज चैप्टर नंबर 7, ओके, ऑफ जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6। एंड इन द प्रीवियस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6, वी हैड स्टडी अबाउट मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, राइट? मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। वी हैड डील्ड विथ मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। एंड दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7, इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ दैट चैप्टर, ओके। तो चैप्टर नंबर 6 में हमने मेजर लैंड फॉर्म्स पढ़ा था, और ये जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 का ही एक कॉन्टिन्यूएशन है। फर्क इतना है कि इसमें लैंड फॉर्म्स इंडिया के अंदर क्या हैं, और उसमें उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। उसके अलावा इंडिया के बारे में और भी इंफॉर्मेशन हमें इस चैप्टर के अंदर मिलने वाली है, ठीक है? तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नंबर 7, ओके। सो लेट्स बिगिन, ठीक है? पहली, ये जो आपका पहला पैराग्राफ है इस बुक के अंदर, ये आप यहाँ पर थोड़ा सा मैं, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो आई विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ओके। सो इंडिया इज बेसिकली बाउंडेड बाय यू नो हिमालयज इन द नॉर्थ। दिस इज आवर कंट्री इंडिया, एंड ओके, सो दिस इज आवर कंट्री इंडिया। And this is a very rough map of India. You need to understand that this is a very rough map of India. So यहाँ अपना हिमालय है, जो इसको नॉर्दर्न बाउंड्री है, हिमालय का हिमालय अपना नॉर्दर्न बाउंड्री, ओके। देन दिस इज अरबियन सी हेयर, अरबियन सी, दिस इज अरबियन सी विच इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। देन दिस इज बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, बे ऑफ बंगाल, ओके, विच इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन ओशियन। देन द हेयर इज श्रीलंका, राइट, which is separated by India through Park Strait. We will deal with this, okay. लेकिन basically हम ये यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि इंडिया का जो चारों directions में क्या क्या है, right? तो आप west में देख रहे हो, अरबियन सी है, right? east में अपना बे ऑफ बंगाल है, north में हिमालयाज हैं, और south में अपना क्या है, इंडियन ओशियन है। तो इससे पता ये चलता है कि हमारा जो इंडिया है वो तीन डायरेक्शन में, यानी वेस्ट, ईस्ट और साउथ में वाटर से घिरा हुआ है, बाउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स इंडिया, ओके। तो इसीलिए इसको पेनिनसुला बोला जाता है। इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड पेनिनसुलर कंट्री, राइट? तो वैसा वैसा लैंड जो वाटर से थ्री साइड से घिरा हुआ, उसको बोलते हैं पेनिनसुला, राइट? और वैसा कंट्री जो, या वैसा लैंड जो चारों तरफ से पानी से बाउंडेड हो, उसको बोलते हैं आईलैंड। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज श्रीलंका विच इज एन आईलैंड, राइट? इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया का जो एरिया है, एरिया यानी द अमाउंट ऑफ लैंड दैट इज विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर कितना लैंड है, अगर मेजर करेंगे तो कितना स्क्वायर किलोमीटर आएगा, उसी को एरिया बोलते हैं, राइट? तो इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, राइट? एंड पॉपुलेशन वाइज हमारा पॉपुलेशन लगभग 130 करोड़ के आसपास है अभी, ठीक है? तो एरिया वाइज इंडिया जो है वो दुनिया में आप देखेंगे तो 7th पोजीशन आता है। एरिया वाइज इंडिया इज प्लेस्ड ऑन 7th पोजीशन, ओके। इन द फर्स्ट पोजीशन इज रसिया, विच हैज एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 17 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। एंड देन देर इज कैनेडा, then there is China, then there is United States, and then Brazil, and then Australia, and then 7th number is India. Russia से अगर आप India का area को compare करोगे तो India का area 3.28 million kilometer square है, और Russia का 17 point something. So it is, Russia is almost 6 times larger in area than India. ये तो area wise हमने discussion किया। अगर आप थोड़ा पॉपुलेशन वाइज डिस्कशन करोगे तो ये लास्ट लाइन अपना लिखा हुआ है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। चाइना का पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है, तो लगभग इसको राउंड फिगर में 150 करोड़ आप कह सकते हो। इंडिया का 130 करोड़, ओके। सो दुनिया में सबसे, दूसरा सबसे ज़्यादा लोग यहाँ इंडिया में रहते हैं, और थर्ड नंबर पर है अपना यूनाइटेड स्टेट्स, विच है 30 करोड़ पॉपुलेशन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग 3 गुना से ज़्यादा, 4 गुना से भी ज़्यादा का फर्क है। मोर देन 4 टाइम्स पीपल लिव इन इंडिया देन यूनाइटेड स्टेट्स।
हमारा लैंड एरिया जो दुनिया का लैंड एरिया है उसका हमारे पास जस्ट 2.4% है। दुनिया में जितने भी लैंड है उसका 2.4% लैंड इंडिया के अंदर है, लेकिन पॉपुलेशन अगर देखेंगे तो दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उसका लगभग 17.7%, यानी राउंड फिगर में 18% आप इसको कर सकते हो, दुनिया में जितने भी लोग हैं उसका 17.7% लोग इंडिया में रहते हैं। ओके, सो दिस इज डिस्टिंक्शन। लैंड सिर्फ हमारे पास दुनिया का 2.4% है, लेकिन पॉपुलेशन दुनिया की कुल आबादी का हमारे पास 17.7%, यानी अप्रोक्सीमेटली 18% लोग, दुनिया के टोटल आबादी के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज लाइक अ बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन ओके ऑफ इंडिया, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये हमने मैप बनाया, इसी एक मैप के थ्रू हम पूरा ये समझने का कोशिश करेंगे। ये एक रफ मैप है इंडिया का, जिससे हम समझने का कोशिश करेंगे इंडिया के बारे में, राइट। तो ये जो अपना नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ये जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये अपना जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी, राइट। दिस इज कन्याकुमारी। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, राइट। हमने लैटिट्यूड्स पढ़ा था, ग्लोब के अंदर लैटिट्यूड्स क्या होता है, पैरेलल लाइंस होता है, ओके। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच, लगभग लगभग बीचों बीच गुजरता है, जैसे 23.5 डिग्री। तो ऐसे ऐसे पैरेलल लाइन जो होते हैं, तो ये जो पैरेलल लाइन जो इंडिया से गुजरता है एकदम एकदम बिल्कुल इन साउदर्न मोस्ट पॉइंट से, उसको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से गुजरता है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, राइट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट का, वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ का लेंथ अगर देखेंगे, लेंथ अगर आप मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ का, तो दैट इज 3200 किलोमीटर। सो दिस लेंथ, इफ यू विल ट्रेवल फ्रॉम जम्मू कश्मीर, दिस नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ जम्मू कश्मीर टू दिस सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, दैट इज कन्याकुमारी, यू हैव टू ट्रेवल 3200 किलोमीटर, ओके। सिमिलरली अगर आप यहाँ गुजरात के एक्सटर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया से, अगर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, इस डिस्टेंस को आप ट्रेवल करोगे तो आपको 2900 किलोमीटर लगेंगे, राइट। ये जो होता है ग्लोब के अंदर, राइट, ये अपना प्राइम मेरिडियन है, और ये जो लाइंस होते हैं सेमी सर्कुलर लाइंस, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये हमने सेकेंड चैप्टर्स में और यह फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा पढ़ा था, राइट। तो ये अपना जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये वाला, ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, राइट। लेकिन ईस्टर्न मोस्ट जो अपना लॉन्गिट्यूड है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, विच इज अप्रोक्सीमेटली अ डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री अगेन, लेकिन हमारा डिस्टेंस है 2900 किलोमीटर। एक क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा कि दोनों का अगर आप देखेंगे लेंथ, लैंड सरफेस पर जो मेजरमेंट है, तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन अपना 2900 किलोमीटर है, यानी इधर से इधर जाने में आपको 2900 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और ये कश्मीर से कन्याकुमारी आने में आपको 3200 किलोमीटर चलना पड़ेगा। लेकिन लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर आप देखेंगे नॉर्थ टू साउथ, तो 30 डिग्री है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है। तो ऐसा ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, लैंड के बीच में 300 किलोमीटर का डिस्टेंस, लेकिन लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूड के बीच में लगभग नो डिफरेंस, 0 डिग्री का डिफरेंस, ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ दिस फिगर। ये फिगर ही आपको बता रहा है, हमारा जो लैटिट्यूड होता है वो पैरेलल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो धरती के बीच में आके, यानी इक्वेटर के पास, थोड़ा सा इस तरीका से हो जाता है, यू नो, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बढ़ जाता है, और पोल के पास जाके फिर से कन्वर्ज कर जाते हैं। तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस हालांकि कम है, लेकिन चूंकि ये लॉन्गिट्यूड्स हैं तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाते हैं, इसीलिए हमारा इसका जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री इसका भी होता है, ईस्ट टू वेस्ट का भी, और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का भी हमारा 30 डिग्री ही होता है, ओके। सो दिस वाज बेसिक, ये आप थोड़ा सा याद रखोगे कि हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है और ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, राइट। ये डिस्टेंस हम इधर से इधर जाते हैं तो 3200 किलोमीटर हमें जाना होता है, और अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपको 2900 किलोमीटर चलना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, हमारा देश जो है उसके लगभग बीचों बीच गुजरता है ये ट्रॉपिक
टॉपिक ऑफ कैंसर विच इज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड राइट दिस वी हैव स्टडीड इन अर्लियर चैप्टर सो ओके आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट राइट तो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट जो अपना है वो अपना ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट से ज़्यादा है बाई 300 किलोमीटर ठीक है तो ये चीज़ आप जरूर याद रखेंगे राइट तो ये फिगर आप ड्रॉ कर लें और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया का क्या लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजिशन है ठीक है सो नेक्स्ट हम अब आगे बढ़ेंगे राइट बट बिफोर दैट वी हैव टू रेज दिस ओके तो ये अपना हो गया अब नेक्स्ट हमारा जो है इसको वापस मैं कर देता हूँ ये ओके इसके अलावा हमने ये सब तो देख लिया अब थोड़ा सा ये आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बता दूँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अपना यहाँ मिर्जापुर से गुजरता है ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी किया हुआ है यूपी में मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से अपना इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरता है राइट दिस इज मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट हेयर ओके एंड दिस इज 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन विच पासेज थ्रू दिस मिर्जापुर दिस इज 97 डिग्री एंड दिस इज 68 डिग्री अगर आप 82 डिग्री को देखोगे तो बीच में ही लगभग इन दोनों के बीच का ये मेरिडियन है ठीक है बिल्कुल बीच का मेरिडियन तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा जो है यही रिफरेंस पॉइंट है मिर्जापुर राइट और आप जानते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो लंदन का जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से गुजरता है तो इससे यहाँ हमारा क्या है 5 आवर्स 5.5 आवर्स का हमारा डिफरेंस है बिकॉज वी आर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम तो ईस्ट में जो होता है उसमें प्लस कर दिया जाता है 5 आवर्स और इधर जितने भी होते हैं उनको 5 आवर्स मतलब इन इधर जाने पर आपको माइनस करना पड़ेगा आवर्स इट अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस दैट वी ट्रेवल फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम ओके सो आई होप यू हैव नॉट फेस्ड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स राइट तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था राइट अब हमारा मेन स्टोरी शुरू होता है यहाँ से इंडिया का नेबर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है और नेबर्स में भी बेसिकली इसमें आपको लैंड बाउंड्री के बारे में पढ़ना है दिस इज लैंड बाउंड्री विच वी हैव टू एम्फसाइज अपॉन लैंड बाउंड्री आप ये पिक्चर अगर देख पा रहे होंगे तो यही पिक्चर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा राइट इससे ज़्यादा आपको जब भी इंडिया के बारे में कुछ पढ़ना हो तो आप एक इंडिया का मैप लेके बैठ जाए ये फिजिकल मैप या पॉलिटिकल मैप पॉलिटिकल जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव या स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज पढ़ना हो तो आप पॉलिटिकल मैप ले लें और अगर आपको हिमालय प्लेटू के बारे में पढ़ना हो तो फिजिकल मैप ले लें तो ये हम अब यहाँ पर जो है इंडिया का जो नेबर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे तो इंडिया का 7 कंट्री है देर आर 7 कंट्रीज ओके विथ विच इंडिया शेयर लैंड बाउंड्री राइट लैंड बाउंड्री कौन कौन से हैं पहला नंबर चाइना चाइना के साथ जो हमारा लैंड बाउंड्री है ओके उस ये जो लाइन है विच सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम चाइना इज कॉल्ड मैकमोहन लाइन सो मैकमोहन लाइन इज व्हाट मैकमोहन लाइन इज द नेम ऑफ दैट बॉर्डर नेम ऑफ दैट लाइन दैट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम चाइना ओके दिस इज अफगानिस्तान ओके दिस इज अफगानिस्तान विच ऑल्सो शेयर्स अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विथ इंडिया ये बहुत ही छोटा सा एक नैरो सा लैंड है ये हमारा शेयर करता है बाउंड्री इंडिया के साथ तो ये जो लाइन सेपरेट करता है इंडिया और अफगानिस्तान को इसको डुरंड लाइन बोलते हैं राइट देन देर इज पाकिस्तान जो पूरा नॉर्थ से लेके इधर पूरा वेस्टर्न एरिया जो है हमारा इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है तो इंडिया के साथ जो ये बॉर्डर है पाकिस्तान का इसको बोला जाता है रेडक्लिफ लाइन राइट सो दिस इज ए बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रेडक्लिफ लाइन तो पहला हमारा नेबर चाइना दूसरा नंबर अफगानिस्तान को दे दिया हमने तीसरा पाकिस्तान अब इधर तो पूरा कोस्टल प्लेन्स है तो लैंड बाउंड्री है नहीं बिल्कुल ये तो वाटर है राइट तो अब यहाँ जाइए बांग्लादेश बांग्लादेश 4th नंबर बांग्लादेश जो इधर बंगाल का ही पहले हिस्सा था अब 1905 में फिर इसका डिवीजन हुआ और ये बांग्लादेश ईस्ट बंगाल बन गया बाद में जाके बांग्लादेश बन गया राइट तो ये 4th नंबर 5th नंबर हमारा ये म्यांमार है म्यांमार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है हमारे सबके साथ ये म्यांमार बाउंड्री शेयर करता है इधर अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर ये मिजोरम ओके तो ये म्यांमार देन वी हैव भूटान 6th नंबर भूटान भूटान के साथ हमारा 2 स्टेट लगा हुआ है सिक्किम अरुणाचल प्रदेश असम का कुछ पार्ट और बंगाल का कुछ पार्ट तो कितना हो गया 1, 2, 3, 4 स्टेट्स हमारे भूटान के साथ लगे हुए हैं नेपाल नेपाल के साथ हमारा एक इस तरीका का बाउंड्री है तो यूपी यहाँ उत्तराखंड
देन वी हैव बिहार, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो देयर, एंड देन सम पार्ट्स ऑफ सिक्किम इज ऑल्सो देयर। तो कितने स्टेट्स हमारे हो गए नेपाल के साथ लगे हुए, एक यहाँ यूपी, दो उत्तराखंड यूपी, देन दिस इज बिहार, देन दिस इज वेस्ट बंगाल, देन दिस इज सिक्किम। ओके सो 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्टेट्स शेयर बाउंड्री विथ दिस नेपाल। तो ये हमारा सातवां नंबर का कंट्री हो गया जिसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। ओके आई डोंट थिंक यू हैव एनी डिफिकल्टी, इस पिक्चर में सब कुछ क्लियर दिख रहा है राइट। चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर इधर आ जाओ बांग्लादेश, भूटान, एंड देन सेवन्थ नंबर नेपाल। तो इसके साथ हम लोग लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे ये श्रीलंका है, लेकिन श्रीलंका के साथ हमारा कुछ लैंड बॉर्डर नहीं है। ये वे एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट राइट। तो स्ट्रेट क्या होता है, एक नैरो स्ट्रेट ऑफ वाटर होता है जो दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को मिलाता है राइट। तो ये बे ऑफ बंगाल को अरबियन सी से मिलाता है, इसलिए इसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं। यहाँ पर कोई इस्थमस नहीं है, कोई पीस ऑफ लैंड नहीं है जो इंडिया और श्रीलंका को ज्वाइन किए हुए राइट। यहाँ एक वाटर, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी है ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पाक स्ट्रेट। तो ये हमारे इंडिया के वो कंट्री थे जिनके साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी हम जमीन शेयर करते हैं ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा हो गया फिनिश्ड। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स राइट, यानी हमारे देश के अंदर कितने स्टेट्स हैं राइट, हमारे देश के अंदर कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका कैपिटल कहाँ कहाँ है, ये सारी बातें इस पिक्चर के अंदर क्लियर हो जाती हैं ठीक है। तो ये पिक्चर उस लिहाज से काफी इंपोर्टेंट है। तो हमने जो कुछ बातें यहाँ लिख रखी हैं, दिस आर द पॉइंट्स विच यू मस्ट नोट। ओके इसका आप जरूर नोट्स लिख लें। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2021 यानी अभी 2021 के अंदर हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इस बुक के अंदर 29 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज लिखा हुआ है, जो कि अभी फिलहाल 2019 और 20 के अंदर बदलाव हुए हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारे पास 28 स्टेट्स हो गए हैं और यूनियन टेरिटरी 8 हो गया ठीक है। ज्यादातर जो स्टेट्स हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर यानी लैंग्वेज बेसिस पर अलग किए हुए हैं। लैंग्वेज मीन्स अगर यहाँ हिंदी बोलने वाले लोग हैं तो हिंदी बोलने वाले लोग ही रहेंगे एक स्टेट में, अगर तेलुगु बोलने वाले लोग हैं तो तेलुगु बोलने वाले अलग राज्य में रहेंगे, अलग स्टेट में रहेंगे। तो अभी फिलहाल ज्यादातर स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही डिवाइडेड है, बट कुछ स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए भी डिवाइड किया गया है। जैसे बिहार और झारखंड में दोनों में हिंदी ही चलती है, बट बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हमने इसको डिवाइड किया था 2000 के अंदर ठीक है। उसी तरीका से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का अलग होना, यूपी से उत्तराखंड, जबकि लैंग्वेज दोनों का सेम ही है राइट। उसी तरीका से आंध्र प्रदेश का तेलंगाना से अलग होना, नॉट बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस, दोनों जगह तेलुगु ही चलता है, बट बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस राइट। एंड देर कैन बी ऑल्सो पॉलिटिकल रीजन्स, पॉलिटिकल रीजन से भी ये सब होता है ठीक है। तो उसमें हमें नहीं जाना है अभी, हमें बस ये समझना है कि हमारे पास कितना स्टेट्स है और कितने यूनियन टेरिटरीज है राइट। इस स्टेट्स में अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये नदर्न पार्ट से, हमारा नदर्न पार्ट। तो ये जो आपका ये जो है हेड ऑफ इंडिया, इसको बोला जाता है तो क्राउन ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर पहले एक सिंगल स्टेट हुआ करता था, इट वॉज अ सिंगल स्टेट अर्लियर, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया राइट। एक यूनियन टेरिटरी जो बन गया वो जम्मू कश्मीर बन गया, जम्मू एंड कश्मीर जिसका कैपिटल है श्रीनगर, और दूसरा जो यूनियन टेरिटरी बन गया वो है लद्दाख जिसका कैपिटल है लेह राइट। तो ये एक चेंज आया है आपका 2019 के अंदर, आज से लगभग 2 साल पहले 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर को बायफरकेट कर दिया गया था, एक जम्मू कश्मीर बन गया यूनियन टेरिटरी, ये दोनों यूनियन टेरिटरी हैं, और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी, नया यूनियन टेरिटरी बन गया जिसका कैपिटल है लेह राइट। उसके अलावा एक जो चेंजिंग किया गया 2020 के अंदर, 26 जनवरी 2020 को दमन एंड दीव का कैपिटल हुआ करता था दीव, और दादर एंड नगर हवेली का कैपिटल हुआ करता था सिलवासा राइट। इन दोनों
यूनियन टेरिटरीज को अब एक ही यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है, नाम भी वही है, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, बट इसका कैपिटल अब दमन हो गया, राइट। तो ये 26 जनवरी यानी 26th of January 2020 को ये बदलाव किया गया था जस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, राइट। तो ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये लेटेस्ट हुआ है 2020 के अंदर, 1 साल पहले जस्ट हुआ है। तो इसीलिए दो यूनियन टेरिटरीज थे वो अब एक ही हो गए, दमन एंड दीव नाउ बिकम दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली हैव बीन मर्ज्ड इनटू फॉर्म्ड हैव बीन मर्ज्ड टू फॉर्म जस्ट अ सिंगल यूनियन टेरिटरी एंड दैट इज दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली विथ इट्स कैपिटल एट दमन, ओके। अब एक जो चेंजिंग 2013 में आया वो पहले पूरा का पूरा, आप जो ग्रीन ये देख रहे हो, ग्रीन अगर आप देख पा रहे होगे तो ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश था, राइट। लेकिन 2013 के अंदर इसको भी बाइफरकेट कर दिया गया, एक स्टेट अपना आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरा तेलंगाना हो गया। दोनों स्टेट्स में तेलुगु लैंग्वेज ही बोला जाता है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या फिर कुछ पॉलिटिकल रीजन के कारण इन दोनों को दो स्टेट्स में तोड़ दिया गया। एक का कैपिटल तेलंगाना का हैदराबाद हो गया, पहले भी आंध्र प्रदेश का कैपिटल हैदराबाद ही था, और दूसरा जो है आंध्र प्रदेश उसका कैपिटल हाल में वहाँ का जो गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश के अंदर, उसने डिसाइड किया है कि हम तीन कैपिटल रखेंगे, राइट। तो आंध्र प्रदेश इज द ओनली स्टेट इन आवर कंट्री विच हैज थ्री कैपिटल्स। पहला कैपिटल इसका कर्नूल में है, दूसरा विशाखापट्टनम में है, एंड थर्ड इज अमरावती। अमरावती वॉज द डेजिग्नेटेड कैपिटल इन 2013, लेकिन ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है 2019 में, इनका जो सरकार है इस सरकार बदलने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हमारे पास तीन कैपिटल्स होंगे, कर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती, एंड दिस इज द ओनली स्टेट इन आवर कंट्री विच हैज थ्री कैपिटल्स, ऑफिशियल थ्री कैपिटल्स। देन आपको पुडुचेरी के बारे में समझना होगा, क्योंकि पुडुचेरी हम नॉर्मली समझते हैं कि एक ही स्टेट में होगा, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि पुडुचेरी थ्री स्टेट्स में डिवाइडेड है। एक माहे है, माहे पुडुचेरी का पार्ट है जो केरला का नदर्न पार्ट में है। दूसरा पुडुचेरी का जो पार्ट है वो पुदुचेरी खुद और कराईकल, ये दोनों तमिलनाडु में, ठीक, पुदुचेरी और कराईकल दोनों तमिलनाडु में। देन पुदुचेरी का जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ वो है आंध्र प्रदेश में यनम, राइट। ये तो थ्री स्टेट्स में ये पुदुचेरी है जो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है तीन अलग अलग स्टेट्स में, और दोनों तीनों के बीच में डिस्टेंस काफी है। माहे यहाँ है, ये इस कोस्ट पर है, और ये यनम इस कोस्ट पर है, तो ठीक है। लेकिन इसका कैपिटल क्या है, पुदुचेरी, जिसके नाम पर इस यूनियन टेरिटरी का नाम पड़ा है। यहाँ अगर आप लैंग्वेज देखेंगे तो मलयालम जो केरला में बोला जाता है वो भी बोला जाता है माहे में, पुडुचेरी के अंदर तमिल बोला जाता है यहाँ पर कायकल के अंदर, उसके अलावा यहाँ पर आप जाओगे तो तेलुगु आपको मिलेंगे लोग बोलते, और उसके अलावा फ्रेंच कॉलोनी था ये पूरा पुडुचेरी, तो फ्रेंच लोग भी फ्रेंच बोलते हुए भी लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है तो आप थोड़ा सा इस पर भी आप गौर फरमा लें, ये 7 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश 1, असम 2, 3 मेघालय, 4th त्रिपुरा, 5 मिजोरम, 6 मणिपुर एंड 7th नागालैंड। ये 7 स्टेट्स जो हैं इनको 7 सिस्टर स्टेट्स बोला जाता है। ये बिल्कुल इंडिया का जो मेन लैंड है, इसे देखो, ये थोड़ा सा इसको चिकन नेक बोला जाता है, एक नेक की तरह, चिकन का नेक की तरह, बिल्कुल ही पतला नैरो सा स्ट्रिप है, तो इसको चिकन नेक बोला जाता है, चिकन नेक कॉरिडोर, राइट। दिस दिस होल एरिया इज कॉल्ड चिकन नेक कॉरिडोर, ठीक है। ये 7 स्टेट्स जो है 7 सिस्टर स्टेट्स इनको बोला जाता है, और ये नदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ओके। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो उसमें एक स्टेट्स को और जोड़ दिया जाता है, वो है सिक्किम, लेकिन 7 सिस्टर स्टेट्स हमारे ये हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 7 सिस्टर स्टेट्स प्लस 1, दैट इज दिस वन स्टेट इज व्हाट, सिक्किम, ओके। ये थोड़ा सा एरिया कॉम्प्लेक्स है इन टर्म्स ऑफ इसका जो इथनी सिटी है, थोड़ा अलग लोग अलग अलग तरह के मिलेंगे हर स्टेट्स में, ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और फॉरेस्ट कवरेज इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा है, और उतना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जितना मेन लैंड में आपको रोड और ब्रिज और वो मल्टीप्लेक्सेस मिल जाएंगे, उतना इस एरिया में भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, थोड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है, राइट। इसके अलावा एक चीज़ और आपको जो जानना है वो ये है कि पंजाब और हरियाणा दो अलग अलग स्टेट्स हैं, बट इनका कैपिटल एक ही है, वो है चंडीगढ़, ठीक है। एंड चंडीगढ़ इटसेल्फ इज अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा दो ऐसे स्टेट्स हैं जिनका एक ही कैपिटल है, एंड दैट इज कॉल्ड चंडीगढ़, राइट।
और चंडीगढ़ इज इट सेल्फ अ यूनियन टेरिटरी। तो बाकी जो सारे स्टेट्स हैं उनमें कुछ खास बातें नहीं है बताने को, बशर्ते ये कि हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और जो तीन नए यूनियन टेरिटरीज हैं, दो नए यूनियन टेरिटरीज हैं, वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दो यूनियन टेरिटरीज जिनको मर्ज किया गया वो है दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली, जिनका कैपिटल है दमन। उसके अलावा पुडुचेरी थोड़ा सा दिलचस्प है, इसको जानना, तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया। इसके अलावा आप बाकी कुछ भी नहीं है इसमें बताने को, बस स्टेट्स और कैपिटल्स हैं जो आप इजिली याद कर सकते हैं, राइट। इसमें 29 स्टेट्स का जिक्र किया हुआ है बुक में, बट दैट इज नॉट अपडेटेड बुक, ये बहुत पहले प्रिंटेड बुक है, तो इसकी बातों पर आप नहीं जाएं, आप अपडेट कर लें अपने आप को, क्योंकि 2019 और 2020 के अंदर बहुत बड़े बदलाव आए हैं इंडिया के अंदर, दैट इज पॉलिटिकल चेंज, राइट। तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन तो हमने आपको बता दिया, अब हम देखेंगे इंडिया का फिजिकल डिवीजन। ओके, इंडिया का फिजिकल डिवीजन को भी हम लोग मैप के थ्रू ही जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ज्योग्राफी में आप मैप के बिना समझना काफ़ी मुश्किल है। हवा हवाई बातें करना ज्योग्राफी में बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा, समझ से परे हो जाएगा चीजें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन, तो मेजर फिजिकल डिवीजन हमने कर रखा है यहाँ पर। सबसे पहले आता है ग्रेट हिमालय, ओके, देन सेकेंड इज नदर्न प्लेन्स, और ये हमने थोड़ा सा आपको फिगर के थ्रू समझने को कोशिश करेंगे, ये हमारा फिगर है। तो इसमें पहले तो आप ये देख लीजिए, ग्रेट हिमालयाज, उसके बाद नदर्न प्लेन्स, देन पेनिनसुलर प्लेट्यू, देन कोस्टल प्लेन्स, देन डिजर्ट एंड देन आइलैंड्स। नाउ इस फिगर को देख के ही हम सब कुछ जानने और समझने का कोशिश करेंगे, बिकॉज इन ज्योग्राफी एवरीथिंग फिगर या द मैप टेल्स एवरीथिंग, यू डू नॉट हैव टू रीड एनीथिंग, मैप टेल्स इन एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू वांट टू नो। अब यहाँ पर डिजर्ट बनाया, तो जाहिर है कि इस एरिया में जो हमारा ग्रेट इंडियन डिजर्ट है, यहाँ पर पहाड़ बनाया हुआ, जाहिर सी बात है ये एरिया जो हमारा ग्रेट हिमालय वाला एरिया है। ये जो एरिया है जो येलो कलर्ड है, ये हमारा डक्कन प्लेट्यू का एरिया है, राइट, प्लेट्यू रीजन, पेनिनसुलर प्लेट्यू इसको बोला जाता है। ब्राउन कलर से मैप पर कुछ भी बनाया जाता है तो वो माउंटेन होता है, राइट। और ये जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपने यहाँ पर एक पीस ऑफ लैंड देख रहा होगा, दिख रहा होगा आपको, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, जाहिर है ये लक्षद्वीप है, और उसी तरीका से ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है इधर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला हमारा है द ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये ग्रेट हिमालय जो है हमारा, वो तीन पैरेलल रेंजेज में टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये जो हमारा है ये काराकोरम रेंज इसको बोला जाता है, देन दिस इज काराकोरम रेंज, देन देर आर जस्कर रेंज ऑल्सो, लेकिन हमारा मेन जो हिमालय शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, दिस इज द फर्स्ट रेंज ऑफ हिमालय, दिस इज कॉल्ड ग्रेट हिमालय और दिस इज कॉल्ड हिमाद्री, राइट। द ग्रेट हिमालय इज द नदर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। सो हमारा हिमालय जो है, बेसिकली हमारा जो हिमालय है वो तीन पैरेलल रेंजेज में है, हिमालयाज हमारा जो है थ्री पैरेलल रेंजेज में है। पहला रेंज जो है वो हिमाद्री, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसी के ऊपर आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा। देन सेकेंड इज हिमाचल, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ये पैरेलल बिल्कुल बहुत दूर तक गया है, आप देख सकते हैं ये अपना एरिया जो है बिल्कुल काफी दूर तक गया हुआ है। तो ये हमारा है मिडिल हिमालय, इसको बोलते हैं हम लोग हिमाचल, दिस इज कॉल्ड हिमाचल, राइट। मैप से हम पूरा स्टडी मैप से ही कर लेंगे। देन दिस इज द लेसर हिमालय, या इसको आउटर हिमालय बोला जाता है, दिस इज आउटर हिमालय विच इज कॉल्ड शिवालिक, विच इज कॉल्ड शिवालिक। तो ये हमारा जो लेसर हिमालय है इसको बोला जाता है शिवालिक, राइट, दिस इज शिवालिक। अब देखो ये हिमालय का हो गया पूरा हमारा डिवीजन, लेकिन एक जो ये काराकोरम रेंज है इसको ट्रांस हिमालय बोला जाता है, ट्रांस का मतलब बियॉन्ड हिमालय, सो इट इज ऑल्सो ए माउंटेन रेंज बट दिस इज बियॉन्ड हिमालय, हिमालय से भी नॉर्थ में है ये हिमालय, इसके भी ऊपर है ये काराकोरम रेंज, सो इसको हिमालय का पार्ट नहीं माना जाता है, ये ट्रांस हिमालयाज में आते हैं, राइट। ट्रांस हिमालयाज मीन्स माउंटेन रेंजेज विच आर बियॉन्ड हिमालय, तो हिमालय के ऊपर भी काराकोरम है, जस्कर रेंज है, उसके बाद हिमालय अपना है, फिर लद्दाख रेंज भी है, उसके बाद अपना हिमालयन रेंज है। देन सेकेंड फिजिकल फीचर दैट वी हैव टू नो इज नदर्न प्लेन, तो ये अपना नदर्न प्लेन जो है ये बिल्कुल
हिमालय के जस्ट जो साउथ में जो प्लेन है, यहाँ से लेके पूरा आपको दिख रहा होगा, ये आपका नदर्न प्लेन है। ये प्लेन फेमस इसलिए है क्योंकि तीन रिवर यहाँ काम करता है। एक इंडस का कुछ रिवर है, जैसे रवि, सतलज, चेनाब, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ काम करता है हमारा, और इधर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। गंगा एक बहुत ही बड़ा रिवर है जिसके अंदर काफी सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। जैसे यमुना गंगा का ट्रिब्यूटरीज है, और ट्रिब्यूटरी वो होता है जो पहले तो खुद ही चलता है लेकिन बाद में एक बड़ा नदी में जाके मिल जाता है। जैसे यमुना खुद का ओरिजिन है, यमुना का, गंगा का खुद का ओरिजिन है लेकिन बाद में यमुना गंगा के अंदर ही जाके अपना पानी सारा छोड़ देता है। तो ऐसे ऐसे काफी सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे गोमती है, राइट, चंबल है अपना, देन देर आर मेनी अदर, यू नो, गोमती है, घाघर है, कोसी है, दीज आर ऑल द रिवर्स विच आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है। तो ये जितना भी नदर्न प्लेन्स यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंडेड आप देख रहे हैं, दिस इज रिजल्ट ऑफ दीज रिवर्स। ये रिवर्स अपने साथ काफी डेब्रिस लेके आते हैं, ऊपर से काफी मलबा, छोटा छोटा रॉक का टुकड़ा लेके आते हैं, और उससे भी टुकड़ा छोटा, और उससे भी छोटा टुकड़ा लेके आते हैं, जिसके कारण ये प्लेन बनता है, राइट। तो ये है पूरा हमारा नदर्न प्लेन। दिस एरिया इज वेरी मच सिग्निफिकेंट। ये एरिया इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फर्टाइल एरिया। हमने पिछले चैप्टर्स में मेजर लैंडफॉर्म्स में डिस्कशन किया था गैंजेटिक प्लेन के बारे में, और हमने देखा था कि राइस और व्हीट के मामले में गैंजेटिक प्लेन कितना उपयोगी है। हमारा देश जो है सेकेंड नंबर पर आता है राइस व्हीट प्रोडक्शन में, राइट, और उसके पीछे जो वजह है वो यही है, नदर्न प्लेन, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड इंडस का कुछ पार्ट, पंजाब से लेके ये असम तक हमारा नदर्न प्लेन है, राइट। ओके, तो नदर्न प्लेन के बारे में, यहाँ पर पॉपुलेशन भी काफी डेंस है बिकॉज दिस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो जहाँ सॉइल फर्टिलिटी होगा, फर्टाइल होगा, तो वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट का क्रॉप अप होना काफी लाजिमी सी बात है, काफी जाहिर सी बात है, राइट। तो ये आपको नदर्न प्लेन के बारे में बता दिया मैंने। नदर्न प्लेन्स में क्या है, काफी फर्टाइल सॉइल है, अलूवियल सॉइल इसको बोलते हैं। अलूवियल सॉइल वो सॉइल होता है जो नदी के द्वारा बनाया जाता है, राइट। नदी का जो डिपोजिट्स, जो नदी का मटेरियल्स आता है ऊपर से, उसके उसके थ्रू ही अलूवियल हमारा बनता है। ये काफी फर्टाइल होता है, राइट, और इसीलिए ह्यूमन सेटलमेंट आपको प्लेन्स में ज्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, सो हिमालय के बाद एक चीज हमें और बताना था, अरावली रेंज के बारे में। अरावली रेंज जो है ये दिल्ली का बिल्कुल साउथ वेस्ट से गुजरता है। साउथ वेस्ट से होके ये आपका सीधे गुजरात तक चला जाता है। दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन तो हिमालय भी है, बट अरावली जो है दुनिया का सबसे, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट, यू नो, फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, ये अरावली रेंज है, राइट। ये बीच बीच में डायसेक्टेड है, काफी गैप है बीच बीच में, और ये रेंज जो है काफी, इसको ओल्ड माउंटेन भी, ओल्ड माउंटेन के कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि दिस माउंटेन इज नाउ इरोजन का काफी ज्यादा शिकार हो रहा है ये माउंटेन, राइट। तो हालांकि अभी भी इसमें आपको बायोडायवर्सिटी काफी सारे मिल जाएंगे, राइट। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन के बारे में हो गया। प्लेन्स के बारे में एक और खासियत ये कि जो नदियाँ आती हैं ना, अपने साथ काफी सारे डेब्रिस लेके आते हैं। तो इधर तो इनके पास काफी एनर्जी होता है, इनके वाटर के अंदर काफी फ्लो होता है, बट जब ये ओशियंस में अपना मलबा अपने आप को डिपोजिट करने जाते हैं, ये अपने आप को टर्मिनेट करने जाते हैं समुद्र में, तो इनका जो मलबा है इनको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो ये क्या करते हैं, माउथ ऑफ रिवर, ये होता है कि माउथ रिवर जो है जब समुद्र से मिलने जाता है तो ये वाला जो एरिया होता है उसको माउथ ऑफ रिवर बोलते हैं, राइट। यानी द पार्ट ऑफ रिवर दैट इज गोइंग टू सबमर्ज इन द ओशियन इज कॉल्ड माउथ ऑफ द रिवर। जब ये ओशियन से मिलने जाते हैं तो इनका जो डेब्रिस होता है इनका रास्ता को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है, और ये फिर रिवर ऐसे ऐसे टूट जाता है। एक ही रिवर जो है ऐसे आ रहा था, बाद में ऐसे ऐसे यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रायंगुलर शेप में मलबा इसका जमा हो जाता है, इसी को डेल्टा बोलते हैं। अब नदी जो है ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाता है, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, राइट। ट्रिब्यूटरी होता है जब ऊपर से नदी मिलता है, और डिस्ट्रीब्यूटरी वही सिंगल नदी वापस जो है समुद्र में मिलने से पहले छोटा छोटा टुकड़ा में ऐसे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट इज बींग ब्राउट बाई गंगा एंड इट्स गंगा ब्रह्मपुत्रा हेयर, ओके, इन एरिया ऑफ दिस बे ऑफ बंगाल, राइट।
तो यहाँ पर एक दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है जिसको बोलते हैं, ये डेल्टा जो होता है एक ट्रेंगुलर शेप्ड डिपोजिशनल एरिया होता है जहाँ पर नदी अपना डिपोजिशनल मटेरियल यहाँ पर लाके कलेक्ट करते हैं, राइट। तो ये जो सुंदरबन डेल्टा है यहाँ पर, जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर, दोनों देश के अंदर है, कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल में और कुछ हिस्सा बांग्लादेश के अंदर है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये सुंदरबन डेल्टा, राइट। तो ये हमने आपको नदर्न प्लेन के बारे में बता दिया। अब डक्कन प्लेट्यू के बारे में बात करते हैं, ये अपना पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया है, राइट। ये पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया, डक्कन प्लेट्यू में आप देख पा रहे होंगे कि ये प्लेट्यू हमने देखा है कि पिछले एक चैप्टर में, कि एक एलिवेटेड टेबल लैंड होता है, फ्लैट सरफेस होता है ऊपर में। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, प्लेट्यू टाइप एरिया है, ठीक है। ये इसका नदर्न मोस्ट बाउंड्री आपका ये अरावली है, सदर्न मोस्ट बाउंड्री यहाँ पर है नीलगिरी या कार्डमम हिल्स कह सकते हो यहाँ पर, तो कार्डमम हिल्स इसका नदर्न मोस्ट बाउंड्री है। देन यहाँ पर आपको छोटा नागपुर और राजमहल हिल्स मिलेंगे, तो यहाँ पर इसका ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है। एंड देन यहाँ पर गिर रेंज है यहाँ पर, तो गिर रेंज जो है ये माना जाता है कि ये जो अपना डक्कन प्लेट्यू है इसका बिल्कुल ही वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है। तो अपना जो डक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है या जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन है, वो गिर गिर से स्टार्ट होगा वेस्ट में, यहाँ राजमहल हिल्स छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास जाएगा, फिर यहाँ अरावली से स्टार्ट होगा और यहाँ कार्डमम हिल्स के पास खत्म हो जाता है। तो इसमें काफी सारे आपको हिल्स मिलेंगे, जैसे विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज है, देन यहाँ पर आपको अन्नामलाई मिलेगा, ठीक है। देन नालकोंडा यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर है, दिसे नालकोंडा, देन सेवरा हिल्स, एंड देर आर सो मेनी हिल्स विच यू डू नॉट नीड टू रिमेम्बर, राइट। बस आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये हमारा कोस्टल प्लेन है, ये जो अपना डक्कन प्लेट्यू है, तो ये इसके जस्ट आपका पैरेलल एक रेंज चलता है जिसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, राइट। वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट है अपना, उसी तरीका से इधर है ईस्टर्न घाट, लेकिन वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में फर्क ये है कि वेस्टर्न घाट ज्यादा ही रेगुलर है और ईस्टर्न घाट बीच बीच में आप देख सकते हैं काफी बड़ा बड़ा गैप, तो ये रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो इधर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है हमारा, इधर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, राइट। तो ये हमने बता दिया आपको कोस्टल प्लेन्स के बारे में, कोस्टल एरियाज के बारे में। दो तरह का हमारे पास कोस्टल है, इधर का कोस्टल प्लेन थोड़ा अलग टाइप का, इधर कोस्टल प्लेन थोड़ा अलग टाइप का। इधर का कोस्टल प्लेन का खासियत यह है कि ज्यादातर जो नदियां गिरती हैं इधर ही गिरती हैं हमारे पास, और ज्यादातर नदियां जो अपने पास साथ काफी मलबा लेके आती है, छोटा छोटा टुकड़ा लेके आती है नदी के अंदर, और वो एक्यूमुलेट हो जाता है माउथ के पास। तो डेल्टा का सिलसिला बनने का जो है इस एरिया में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया में काफी ज्यादा है, लेकिन वेस्टर्न कोस्ट में आपको डेल्टा बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, इधर डेल्टा है ही नहीं साहब। और इसके पीछे पीछे वजह यह है कि ये जो नदियां हैं ना, ये रिफ्ट में बहती हैं, ये बिल्कुल ये दरार में बहती हैं, तो इनका जो भी मलबा आता है ये यहीं पर डिपॉजिट हो जाता है, तो यहाँ तक आ ही नहीं पाता। दूसरी बात कि ये बहुत छोटा इनका जो डिस्टेंस होता है, इधर से निकलती हैं बस इतना दूर कवर करके टर्मिनेट हो जाती हैं, तो उतना ज़्यादा। और तीसरी बात कि ये डक्कन प्लेटू के ऊपर ग्लेशियर होता नहीं है, तो इनका ये थोड़ा सा रेनी रिवर होते हैं, ये सीजनल रिवर्स होते हैं, ये बस रेनी सीजन में ही बहते हैं ज़्यादातर रिवर्स, राइट। लेकिन हिमालयन रिवर्स क्या है, पेरेनियल रिवर्स हैं, ये थ्रू आउट द ईयर बहते रहेंगे, बिकॉज इनके पास दो सोर्स है, एक तो अपना जो ग्लेशियर है हिमालय के ऊपर, ह्यूज अमाउंट ऑफ आइस दैट इज फ्रोजन देयर, और दूसरा अपना रेनफॉल जो है वो भी इसको पानी जो है देते रहता है, राइट। तो इसके कारण इसके अंदर जो डेब्रिस है काफ़ी ज़्यादा है, छोटा छोटा मटेरियल, और ईस्टर्न घाट्स में भी जो नदियां बहती हैं वो काफी बड़े बड़ी होती है, लंबी लंबी नदियां, जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, दीज आर द रिवर्स विच आर वेरी लॉन्ग एंड लॉन्गर देन दीज ईस्टर्न रिवर्स, राइट। तो ईस्टर्न रिवर्स में नर्मदा और तापी जो है दो मेन रिवर्स हैं, और दोनों के दोनों जो है अरबियन सी में गिरते हैं विदाउट मेकिंग एनी डेल्टा। तो फिजिकल डिवीजन में कोस्टल प्लेन्स हो गया हमारा, पेनिनसुलर प्लेट्यू हमने देख लिया, अब हमारे पास डिजर्ट बचा है। तो डिजर्ट एरिया जो है हमारा वो बेसिकली हरियाणा से शुरू होता है, हरियाणा का बिल्कुल सदर्न मोस्ट बाउंड्री से राजस्थान होते हुए गुजरात का कुछ एरिया को ये ले लेता है। तो ये डिजर्ट एरिया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एरिडिटी है, बिल्कुल ही बारिश का चांस काफ़ी कम है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट।
उसके अलावा एक जो नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं हम लोग, वो है हमारा लक्षद्वीप। दो आइलैंड्स हमारे पास, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, राइट। लक्षद्वीप आइलैंड जो है हमारा केरला के, यहाँ पर आपका केरला है, केरला कोस्ट से आप देख सकते हैं काफी नजदीक है, और ये अरबियन सी में पूरा का पूरा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप आइलैंड की खासियत ये है कि इसको कोरल आइलैंड्स बोला जाता है, दीज आर कोरल आइलैंड्स। कोरल आइलैंड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कोरल रीफ से बने हुए हैं, कोरल्स से बने हुए। कोरल्स क्या होते हैं? तो कोरल्स बेसिकली एक डिपोजिशनल मटेरियल होता है, एक डिपोजिटेड मटेरियल होता है, एक स्केल्टन्स होते हैं, ये दीज आर बेसिकली स्केल्टन्स। और ये स्केल्टन्स किसके होते हैं? ये टाइनी एनिमल्स होते हैं, टाइनी मराइन एनिमल्स होते हैं, जिसको पॉलिप्स बोला जाता है। ये बहुत ही छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो बहुत ही जल्दी रिप्रोड्यूस होते हैं, बहुत ही जल्दी, बहुत ही शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ इनका होता है, बहुत ही जल्दी मर भी जाते हैं। लेकिन जब ये मरते हैं तो इनके बॉडी से जो है एक एक खास तरह का स्केल्टन डेवलप होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो काफ़ी सॉलिड होता है, काफ़ी सॉलिड होता है, काफ़ी टफ होता है। और इनका मरने का और जीने का और रिप्रोडक्शन का सिलसिला काफ़ी कंटिन्यूअस है और काफ़ी फास्ट है। तो होता क्या है कि पॉलिप्स काफ़ी तेजी से जो है इनका बर्थ हुआ, फिर ये मर गए, इनके ऊपर फिर से पॉलिप्स ने जन्म लिया, फिर से वो मर गए, फिर कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा रिलीज हुआ, फिर इसके ऊपर पॉलिप्स का बर्थ हुआ, फिर वो मर गए, फिर कैल्शियम कार्बोनेट उनका स्केल्टन बन गया। तो इसी तरीका से जमते जमते क्या होता है, कोस्टल एरियाज में ये बिल्कुल पानी के ऊपर आ जाता है, और यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट भी पॉसिबल हो जाता है। तो ये फिर हमारा ह्यूमन सेटलमेंट लक्षद्वीप में उसी तरीका से। तो लक्षद्वीप पूरा का पूरा इसी कोरल पॉलिप्स के कारण बना हुआ है, राइट। तो इसीलिए इसको कोरल आइलैंड बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोरल्स और नहीं है, कोरल आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे, गल्फ ऑफ खम्बत के पास, गल्फ ऑफ कच्छ के पास, राइट, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, तो यहाँ पर भी आपको कोरल्स मिल जाएंगे, लेकिन उतना अमाउंट में नहीं मिलेंगे जितना लक्षद्वीप के पास है। उसके अलावा लक्षद्वीप तो अपना है ही इसी के लिए फेमस। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार में, यहाँ पर इस एरिया में भी कोरल्स आपको मिल जाएंगे। देन अंडमान एंड निकोबार में भी कुछ एरियाज में आपको कोरल्स देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो ये कोरल की कहानी, ठीक। लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में हम हमको बता दिया आपको, अरबियन सी में है और केरला से, केरला के वेस्ट में, राइट। और उसी तरीका से अरबी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ये है कि ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये काफ़ी छोटे छोटे आइलैंड्स में टूटे हुए हैं, काफ़ी छोटे। ये पूरा एरिया जो है ये अंडमान बोला जाता है, इस एरिया को निकोबार बोला जाता है। ये है 9 डिग्री चैनल, राइट। तो एट, ये दिस इज 9 डिग्री चैनल। तो ये अंडमान और ये निकोबार, तो ये दोनों मिल के हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ पर आपका खासियत ये है कि यहाँ की बीचेज काफ़ी खूबसूरत होती हैं, यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत बीचें होती हैं, ओके। तो और अंडमान एंड निकोबार एक ऐसा आइलैंड भी है जहाँ पर अभी भी कुछ कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो बिल्कुल आज से जो 1,000, 2,000, 3,000 साल पहले जिस तरीका से लोग रहते थे, उसी तरीका का प्रिमिटिव लाइफ है यहाँ पर, बिल्कुल प्रिमिटिव लाइफ। लोग यहाँ पर आपको बिल्कुल कोई कपड़ा नहीं, कोई एडवांसमेंट नहीं, मतलब ज़्यादातर लोग हैं जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, बट कुछ सोसाइटी, कुछ ट्राइबल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रिमिटिव लाइफ है उनका, मतलब जंगल में रहना है, जंगल की लाइफ जो है, जंगलों की जो लाइफ होती थी पहले आज से 2,000, 3,000 साल पहले, उसी तरीका का कुछ लाइफ यहाँ कुछ लोगों का होता है। जैसे कि आप नॉर्थ सेंटिनल्स का बात कर लें, तो ये सेंटिनल आइलैंड पर जो लोग हैं उनको सेंटिनल्स, एक सेंटिनल ट्राइब, नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब बोलते हैं उसको। तो इनका लाइफ लगभग बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप का लाइफ है, बिल्कुल ये बिना कपड़ा के मिलेंगे आपको, और जो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है वही खा के जिंदा रहने वाले लोग हैं ये। वो कुछ एलपीजी सिलेंडर और ये वो उनके पास नहीं है, तो ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बिल्कुल दूर है ये। और इनके, आप इनके पास जाएंगे तो ये आपका कत्ल भी कर सकते हैं। और हाल ही में अमेरिका का एक, यू नो, ही वॉज लाइक एडवेंचरर और वाट ट्रेवलर था, जो इसमें जाने का कोशिश किया था नॉर्थ सेंटिनल में, लेकिन उसको इन लोगों ने ही मार गिराया, राइट। तो ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड एरिया है, इसमें आप घुस ही नहीं सकते, इस एरिया में जा ही नहीं सकते, दिस इज कम्प्लीटली फॉरबिडन जोन, राइट।
ये फॉरबिडन जोन है, इसमें आप नहीं जा सकते। तो ये इन ट्राइबल्स को भी बचाने के लिए लोग सरकार ने हमारा फॉरबिडन एरिया, इसको प्रोहिबिटेड एरिया घोषित किया हुआ। ओके सो आई थिंक दिस इज अ वेरी टेक्निकल प्रॉब्लम आई हैव गोन थ्रू राइट। आई एम सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। ओके दिस वॉज माई ओके ओके सो दिस इज ये हमने बता दिया आपको नॉर्थ सेंटिनल्स के बारे में, राइट। तो अब इसको मैं क्लियर करता हूँ थोड़ा, ताकि हम आगे बढ़ सकें, राइट। तो ये हमने आपको बता दिया पूरा का पूरा इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स हैं, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। कोरल्स के बारे में हमने आपको बता दिया, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में हमने बता दिया आपको। कोरल्स के बारे में भी बता दिया, और विंध्यास अलुवियल डिपोजिट्स क्या होते हैं सब बता दिया। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप काफ़ी इसको अच्छे से समझ लें। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। ओके एज एंड व्हेन आई वॉच योर कमेंट। ओके तो इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, और इसके पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो काफ़ी ज़रूरी हैं इस चैप्टर्स में आने से पहले, राइट। और ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, आप कुछ पॉइंट्स जो है हमने यहाँ पर लिखे हैं तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, राइट। तो बी क्यूरियस, बिकॉज क्यूरियोसिटी इज द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन दैट विल कीप यू मोटिवेटेड ऑल द टाइम। यू विल नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। सो थैंक यू एंड कीप रीडिंग एंड बी एंथुजियास्टिक, राइट, एंड बी ए क्यूरियस रीडर, राइट।